कि भाई इतनी खतरनाक स्क्रीन लगा दी है, किसी को नींद आ रही हो एकदम। ये वाला रास्ता काफी सुनसान था, हालांकि मान लो गाड़ी खराब हो जाए तो कहीं किसी कुछ भी साधन कुछ नहीं, बहुत गाड़ी खींच ली बस जल्दी से कि चलो जितने जल्दी सके रोड वोड मिल जाए अच्छी खासी। कितनी सुंदर मूर्ति है ना, हमने अपना नया घर ले लिया है, मीटअप के लिए यही आना है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आप लोग सोच रहे होगा कि अचानक से ये गाड़ी में कहाँ, तो हुआ ये कि आज दशहरा था और आज काफ़ी हेक्टिक था, एक दो लोग आ गए थे मिलने तो सारा टाइम उसमें निकल गया, तो ज़्यादा व्लॉगिंग ही नहीं, मतलब ज़्यादा क्या व्लॉग ही स्टार्ट नहीं कर पाए। फिर ये रहा कि ट्रिप स्टार्ट करनी है तो ट्रिप कहाँ की करनी, ये करो करो, उसमें बहुत टाइम निकल गया। तो फाइनली हम लोग अभी हमने डिसाइड कर लिया है, गाड़ी से निकल गए, पैकिंग है क्योंकि फटाफट से बुकिंग वुकिंग डाली, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अटेंडम बुकिंग होती है हमारी। सेम वही से अभी क्या है कि अभी नहीं बता रहे, निकल गए अभी, फिलहाल ये था कि घर से निकल जाएं, अभी जा रहे हैं पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप से पेट्रोल ले लें, उसके बाद रास्ते में मिलते हैं तब बताते हैं। तो अभी यहाँ पे रुके हैं, पेट्रोल डला रहे हैं, पेट्रोल टंकी फुल कराते हैं, अपना भी ऑलमोस्ट फुल है, इसका भी पूरा फुल करते हैं फिर निकलते हैं। तो भाई राज का कहना है कि हम पावर डलवा लेते हैं, जहाँ हमें 15 घंटे में पहुँचना है वहाँ 6 घंटे में पहुँच जाएंगे। ये एक पी लो ना तो बहुत अच्छी फंक्शनिंग हो जाती तो है, पी लो। तुम एक पी लो, तुम पी के चलाओ, फंक्शन हो जाएगी, पेट का डाइजेशन एकदम चकाचक मक्खन, तुम पी के चलाओ। दो पी लो तो कब्ज खत्म। और भाई आ गए हम लोग एम्बियंस, और देख रहे हो बाहर चकाचौंध कितनी हो रही है दशहरे पे, रावण जलता हुआ नहीं दिखा अगल बगल कहीं भी, है ना, इधर नहीं जलाते क्या लोग, खूब जलाते, जाओगे देखना तो कैसे ठीक। अरे अब जाएंगे क्या जा ऐसे कहीं भी, राइट लेफ्ट कहीं तो चलते हुए दिख जाए। 7 बजे इसको कहाँ दिखेगा, चौकस सजावट हो रखी है, माइक्रोसॉफ्ट एकदम चौड़िया रहे हैं, एकदम चमक में DLF में देख रहे हो ना, सही यार। आज हमारी गाड़ी ने एक चमत्कार कर दिया, 23.4 KMPL का एवरेज दिखा दिया जैसे ही पेट्रोल डलाया है। ये पहली बार दिखाया है, हालांकि ये तो रियल टाइम कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी आज पहली बार दिखाया है, नहीं तो 18-19 ऐसे दिखा दी, आज पहली बार इतना 23 मतलब सब पका गया नहीं भाई, क्या देख लिया मैं, किलोमीटर देख रहा हूँ क्या देख रहा हूँ, मुझे कहीं नहीं लेकर जा रहे हैं। चलो सही है सही है, बढ़िया है, अभी आगे देखेंगे थोड़ा चल लें तब समझ में आएगा कि एग्जैक्ट कितना आ रहा है। 12 बज गया फिर भी जाम देख लो, जाम का कुछ नहीं हो सकता। अब आगे भैया सोना फ्लाईओवर पे, अभी सोना फ्लाईओवर लेंगे, लेफ्ट हुए हैं, NH8 छोड़ दिया, अब आगे सीधा फ्लाईओवर होते हुए तब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेसवे पर ये हमारा थर्ड विजिट है ना सोनिया, थर्ड है। ओके, हेलो वडोदरा एक्सप्रेसवे, हाउ आर यू, वी आर कमिंग, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। तो फिलहाल जोक्स अपार्ट, ये थर्ड हम लोगों का विजिट है इस पे, ये जल्दी बन जाए मुंबई तक, तो एक बार मुंबई खींच दें। फिलहाल हम मुंबई नहीं जा रहे हैं, नहीं हम मुंबई ही जा रहे हैं, ये आपको बना रहा है सब, हम मुंबई नहीं जा रहे हैं, चलो मैं आपको बता देता हूं, हम एमपी जा रहे हैं, एक्चुअली मैं बताती हूं आपको। चलो भाई ठीक है, हम एमपी जा रहे हैं, मध्य प्रदेश, और देखते हैं कहाँ तक रास्ता बना हुआ है। चलो आज सैर सपाटा करके आते हैं कि कहाँ तक ये एक्सप्रेसवे बन गया है, बस ऐसे ही देख कर आ रहे हैं। हाँ, क्या लाइटिंग होती है इसकी, मजा आ जाता है, अलग ही फील आती है इसकी, कुछ भी कहो कंप्लीट हो जाएगा जब मुंबई तक ना, मजा आ जाएगी, मौज हो जाएगी, मौज। अगल बगल अभी ऐसा कुछ फॉग तो दिख नहीं रही भाई, हाँ हो सकता है आगे मिले, बट वेदर 22 हो गया, इधर फॉग नहीं मिलेगी, मिलेगी तो उधर हरियाणा पंजाब साइड में, क्योंकि उस साइड में पहाड़ी एरिया आने लगती है ना, इसलिए वहाँ पे, इधर पहाड़ी साइड इतना है नहीं, इतना उधर ठंडक ज्यादा रहती है, इसलिए हो सकता है आगे मिल जाए। तो चलो फिलहाल नापते हैं इससे, थोड़ा और आगे चलते हैं, तब तक आप व्यू एंजॉय करो एक्सप्रेस वे के, नाइट के व्यू। सीधा बढ़िया साफ कर दिया था मैंने वहाँ पे, पेट्रोल भराया था पूरा, लगभग 38 या 39 लीटर टैंक में फुल हो गया, पहले कुछ पड़ा हुआ थोड़ा बहुत, अब फटाफट से क्रूज कंट्रोल लगा दिया है, अब चौकस सीधा दाबेंगे। हम्पी में तो ये भूख तो अभी नहीं लगी,
लेकिन आगे लग सकती है। चाय पीने की इच्छा तो हो रही है, चाय पीने की इच्छा तो हो रही है। देखते हैं आगे, अगर रेस्टोरेंट सर्विस एरिया पर रुकेंगे नहीं तो फिर सीधा आगे, क्योंकि सफर तो थोड़ा थोड़ा लंबा ही है कह सकते हो। चलो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हम लोग आ गए थे, उसके बाद यहाँ पे टोल भी दे दिया है, टोल दे क्या दिया मतलब एंट्री कर दी टोल पे, जहाँ पर एग्जिट करेंगे वहाँ पे चार्ज कट जाएगा। तो फिलहाल बाहर मौसम बढ़िया है, आज इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं देखने को मिल रहा है इसमें टोल पे। अभी आपने देखा होगा टोल तो एकदम खाली पड़ा था, मतलब एक व्हीकल नहीं था उस पर। भूख लग नहीं रही है, 12:30 से थोड़ा ज़्यादा हो गया है, और हम लोग जा रहे हैं उदयपुर। सोचा आप लोग को बता दें, ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखेंगे। हम लोग पहले सोच रहे थे नॉर्थ में जाएं, लेकिन नॉर्थ में जाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए था, क्योंकि ये पूरा दिन लगभग वहाँ पहुँचने में लग जाएगा। अगर हम कश्मीर सोच रहे थे कश्मीर जाएँ, फिर लौट के भी आना था, लेकिन कश्मीर जाओ तो 2-3 जगह है यार, वैसे तो काफ़ी जगह है वहाँ पे, लेकिन टाइम चाहिए वहाँ पे। अब एक जगह श्रीनगर भी है, पहलगाम भी है, गुलमर्ग भी है, और भी कई चीज़ें हैं। फिर 1 तारीख को वापस, मतलब 1 तारीख से पहले वापस आना था, क्योंकि 1 तारीख को करवा चौथ भी है, तो बहुत हॉस्पॉच हो जाता। फिर हमने सडनली डिसाइड किया कि उदयपुर चलते हैं, क्योंकि हिमाचल जाने का भी नहीं था, क्योंकि कंडा घाट होके आ चुके थे। हमने कहा चलो उदयपुर, बहुत टाइम से हम सोच रहे थे उदयपुर चलें, इसलिए हमने फटाफट से हमने ये समझो कि शाम में हमने डिसाइड किया कि हम उदयपुर निकलते हैं। 7:30 बजे हमने बुकिंग डाली, इसी चक्कर में होटल महंगा मिला, होटल बढ़िया क्या है, उसके व्यू अच्छे मिलेंगे आपको। आगे वीडियो में बने रहना, और ये सीरीज बहुत अच्छी होने वाली, तो वीडियो पूरा देखना और शेयर भी करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चंदा मामा बढ़िया निकले हुए हैं, एकदम साफ हो रखा मौसम बाहर, चौकस यहाँ तो देखो बढ़िया चौकस दिख रहे हैं। अगर पूर्णिमा की रात होती सुनिए, अच्छा आज अगर पूर्णिमा रात होती ना, खूब अच्छा खासा उजाला हो रखा होता बाहर। वाह साहब क्या ही मौज होती बाहर, तुम घूम के आती बाहर सुनिया पूर्णिमा की रात। अंधेरे में तो तुम दिख भी नहीं रही हो, अंधेरे में तो दिख भी नहीं रही, बिना देखे ही तेरा खून पिए दिखेगी तो और क्या ही है। ये भाई इतनी खतरनाक स्क्रीन लगा दी है, किसी को नींद आ रही हो, एकदम से ये एकदम फ्लैश होती है, देखो एकदम से फ्लैश होती है, देख रहे हो भाई साहब, उसके बाद ना एकदम चकाचौंध में आगे एकदम अंधेरा सा हो जाता है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं जयपुर वाले टॉल पे, और यहाँ से लेफ्ट ये जयपुर के लिए कट जाएगा एक्सप्रेसवे से, छूट कर नीचे आप जाओगे राइट हो जाओगे सीधा जयपुर, यानी हम दौसा आ गए, दौसा वाले टोल पे। तो फाइनली इस बार हम इससे आगे जा रहे हैं, ऐसे करते करते हम एक बार मुंबई भी पहुँच जाएंगे। तो फाइनली गाइस हम लोग आ गए लाल सोट वाले कट पर, अब यहाँ से हम करेंगे एग्जिट, एग्जिट करने के बाद सीधा कौथुन करके कोई जगह है उस पर लेना है। तो आगे देख रहे होगे बैरिकेडिंग लगी हुई है, वहाँ से आगे जाना अभी शुरू नहीं हुआ है, आगे बैरिकेडिंग लगा दी ताकि आगे कोई ना जाए। अब यहाँ से लेंगे लेफ्ट कौथुन की तरफ, यहाँ से आगे थोड़ी दूर तक बना हुआ है, उसके बाद बीच में पैच खराब है, फिर आगे मंडोक है मध्य प्रदेश में, वहाँ से फिर स्टार्ट हो जाता है। जब ये बीच का पूरा पैच कंप्लीट हो जाएगा ना, तब यहाँ से सीधा आगे। अभी फिलहाल टाटा बाय बाय, अब चलो टोल कटाते हैं, देखते हैं यहाँ पे कितना टोल कटता है, फिर वो आगे आपको वीडियो में बताएंगे। अब यहाँ पर एक सर्कल है, सर्कल से सीधा हम राइट हो जाएंगे, ये सामने दिल्ली मुंबई, इस वजह लेफ्ट को मुंबई और राइट को दिल्ली, हम इसी से उतर के आए हैं। टोल कटाया, टॉल कटाने के बाद एक सर्कल है, सर्कल से फिर हम ये अब ये इसके नीचे ऊपर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जा रहा है, और हम इसके नीचे से सीधा सामने अब कौथुन की तरफ चलेंगे। भाई लगभग 35-40 किलोमीटर का एरिया है, फिर हम NH 52 में मिल जाएंगे जो भिलवाड़ा होते हुए जाता है। अब थोड़ा संभल के चलाना पड़ेगा क्योंकि सिंगल लेन हो गया ना, वैसे तो ट्रैफिक नहीं है, और जो कि अच्छा है। इस एक्सप्रेसवे को एक्सप्रेस तो कह रहा हूँ, हाईवे को क्रॉस करते हैं, ये NH 23 है, इसके बाद हमें कौथुन में मिलेगा NH 52, फिर वहाँ मिलते हैं।
45 किलोमीटर का रास्ता कवर करने के बाद हम लोग आ गए कौथुन करके एक जगह है, ये मध्य प्रदेश में कौथुन, आई थिंक मुझे श्योर नहीं हूँ। मध्य प्रदेश में तो राजस्थान ही चल रहा है शायद, ख़त्म हो गया वो, मैं आगे चेक करके बता पाऊँगा। अब यहाँ से लेफ्ट लेंगे, लेफ्ट लेंगे तो हम आ जाएंगे NH 52 में, जो नेशनल हाईवे 52 है। ये वाला रास्ता काफ़ी सुनसान था, हालांकि हमें पता तो था नहीं, लेकिन ठीक था, रोड बढ़िया बना हुआ है, लेकिन हाँ काफ़ी सुनसान था। तो भाई रिकमेंडेड तो ऐसे नहीं रहेगा कि आप अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं नाइट में तो आप अवॉइड कर सकते हैं। वैसे दिक्कत तो नहीं है, लेकिन आप दिक्कत पूछ के नहीं आती भाई, मेरा काम यही है कि लोगों को बता सकूँ, बाकी यहाँ के जो लोग होंगे वो तो बेटर जानते होंगे। अकेले होते देखो यार उतना नहीं समझा, लेकिन अगर फैमिली स्पेशली लेडीज साथ में थोड़ा सोचना पड़ता है, अकेले तो दर्दाते हुए कहीं भी चले जाओ, खेतन तो निकालते चले जाओ बाइक के ही है, लेकिन फैमिली के बारे में सोचना पड़ता है। चलो फिलहाल अब देखो ये अब आ गया हाईवे, तो बढ़िया 4 लेन हाईवे हो गया, अब झंझट नहीं। 3:15 हो गए, 3:19 यहाँ से लगभग करीबन 450 किलोमीटर होगा। सुनिए घरे के वाला रास्ता जो हमें आया ना कौथुम तक, वो सही ना लगा, तो जयपुर होकर के आ जाओ। तो भाई अगर फैमिली के साथ आ रहे हो तो फिर आप तो या तो जयपुर होकर के आ जाओ, या तो फिर दिन में आओ, रात में आना भी ठीक नहीं, क्योंकि ना जगह जगह बैरिकेटिंग था, बैरिकेटिंग वो सेफ्टी के लिए थे या किसके लिए थे हमें नहीं पता, वो एकदम दिमाग में, और हमने दिन में देखा भी नहीं। चलो दिन में देख लो, बता दे यार गाँव में, चलो कोई बात नहीं, खेतों में से निकल रहा है, जंगल में से निकल रहा है, सुनसान था बिल्कुल, सुनसान था बिल्कुल। हमारी एकलौती गाड़ी देख रही थी, बाकी सब ट्रक, सब ट्रक और टेम्पो तो छोटे छोटे। ये NH 52 तो सही है, 4 लेन हाईवे, तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। नींद भाग गई, मुझे भी थोड़ा लग रहा था कि जल्दी से क्रॉस कर लें ताकि कोई दिक्कत ना, मान लो गाड़ी खराब हो जाए तो कहीं किसी कुछ भी साधन कुछ नहीं, बहुत रात में वैसे ही दिक्कत हो जाएगी। अच्छा दिक्कत ना भी हो, बट हमें नो रूट को नहीं सजेस्ट, जो लोग यहाँ के नहीं है और यहाँ से गुजर रहे हैं ना, तो उनको मैं बताऊंगा कि दिन में जाएं रात में ना लें, या तो आप फैमिली साथ ना, अकेले हैं आदमी लोग हैं तो आराम से जा सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है अब चलो इस हाईवे पे चलते हैं आराम से चौकस, थोड़ी देर बाद मतलब 6 बजे करीब उजाला होगा ना, तब सही से बढ़िया व्यू आएगा, अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया चाय लेकर आया आज, और ये चाय के कप देख लो, मतलब मेरी एक उंगली के से भी बड़े हैं, मेरी एक उंगली भी चाय के कप से बड़ी है। ये देखो अभी यहाँ कहीं बीच में उतरे थे और राजमान सर चाय लेकर आए हैं, ये देखो भाई कितनी सी चाय है ये, मतलब चाय तो छोड़ो और ये ग्लास कितना सा है। राज हमारे मग में कितनी चाय आती होगी, कितनी इससे 10 गुना ज्यादा चाय आती होगी, कितना बड़ा कप के पैक बेचते बड़े होते, 10 गुना ज्यादा चलेगी। चाय बहुत अच्छी है, चाय अच्छी है, चाय तो अच्छी है, मैंने पी है। देखो भाई क्या जबरदस्त जरा जरा से कप है, इतनी चाय से तो हम कुल्ला भी ना करें, कुल्ला भी नहीं करें इतनी से, तो इधर तो हम छोड़ देते हैं कपों में। तो गाइस बज रहे हैं अभी 6:10 और अभी हम लोग हैं शाहपुरा, ये शाहपुरा इधर देवली से आगे निकल के है, भीलवाड़ा जाते समय पड़ता है, एक शाहपुरा तो उधर पड़ता है जयपुर के पास, जब खाटू श्याम जी जाते हैं तो जयपुर से पहले ही अगर दिल्ली से आ रहे हो तो शाहपुरा से राइट होके खाटू श्याम निकल जाते हैं, वो शायद अलग है और ये शाहपुरा अलग है। तो फिलहाल अभी रास्ता बहुत ही थोड़ा सा बीच में अजीबोगरीब मिला, काफ़ी सुनसान था एक जगह, तो हम लोग बहुत कन्फ्यूज हो गए, वापस गए, फिर वहाँ से कन्फ्यूज हो गए, फिर वापस आए, तो इस चलते एक थोड़ा सा टाइम भी 20-25 किलोमीटर भी मतलब जाना आना वेस्ट हुआ, फिर वापस उसी रूट से आया जिससे मैप दिखा रहा था, वो सुनसान था, मुझे लगा ये शायद गलत रास्ता है। तो ये है ना कि दिन में आओ तो दिन में कोई दिक्कत नहीं, कोई से भी रास्ते पकड़ लो दिन में, रात में थोड़ा दिक्कत हो जाता है एकदम, बिल्कुल एक तो अनजान लोग हैं, देखो यहाँ के लोकल लोगों की बात अलग है, हम लोग पहली बार रास्ते जा रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। अब यहाँ शाहपुरा में एक जगह रुके, वहाँ चाय पी, दिख गई थी चाय की टपली, मंदिर में पूजा हो रही थी तो बढ़िया भजन सुनाई दे रहे थे, रास्ते में कहीं इतना दिमाग खराब हो गया था कि कुछ ब्लॉक किया ही नहीं, बाहर तो खैर क्या ही दिखा था, कुछ देखना भी नहीं था, सुनसान रहता, गाड़ी खींच ली बस जल्दी से कि चलो जितने जल्दी सके रोड वोड मिल जाए अच्छी खासी, बस अब वही चल रहे हैं। अभी लगभग 200 किलोमीटर है यहाँ से और 9:55 का अराइवल दिखा रहा है, 3 घंटे 43 मिनट।
भाई देखो अच्छा खासा दिन निकल आया है, अब लग रहा है कि हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं। रात में ना ये सब चीजें बिल्कुल अपोजिट हो जाती हैं। दिन में देखोगे तो ये रास्ते बहुत अच्छे लगेंगे, बगल में खेत कटीली झाड़ियाँ, पूरी रात हम लोग इतने रास्ते से निकले हैं और बड़ा टेंशन हो गया। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले कभी निकले नहीं हो, लेकिन यार क्या होता है ना, पहले की बात कभी और, जब आप किसी रास्ते पहली बार निकलते हो ना तब आपको थोड़ा सा वो लगता है कि नई जगह है, कुछ पता नहीं है, इधर जाएगा नहीं जाएगा, आगे हाईवे मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैं तो यही बोलूँगा कि इधर से नहीं आना चाहिए था हमें, या तो दिन में निकलना चाहिए था या फिर हमें जयपुर से आना चाहिए था, जयपुर से सीधा उधर निकल जाते। हमने सोचा चलो इधर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस ले लेंगे लालसोट तक, उसके बाद तो NH 52 मिल ही जाएगा, ये बात वो बात। लेकिन रात में वो पूरा दिमाग ही ख़राब हो गया। खैर इस बार आए तो पता चल गया, एक्सपीरियंस हो गया, नेक्स्ट टाइम से या तो दिन में निकलेंगे तो इधर से आएंगे, दिन में कोई दिक्कत नहीं है, रात में बस वही है कि अगर मान लो गाड़ी वाड़ी ख़राब हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए ना, तो बड़ी समस्या है भाई, अपना उधर से ही आओ नहीं तो इधर दिन में आओ। वही चीज़ है ना, बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई, बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल अभी 6:30 हो गए हैं, अभी हम आराम आराम से चल रहे हैं, थोड़ा कुछ खा पी रहे थे, चिप्स विप्स खा रहे थे तो आराम आराम से चला रहे थे। मैंने कहा चलो आपको अपडेट दे दूँ, अभी वही 10 बजे तक पहुँच जाएंगे। अब जा करके पहली पहाड़ों की झलक देखी है पूरी रात चलाने के बाद। रात में पहाड़ियाँ दिखी हैं लेकिन उस तरह से नहीं दिख रही थी, समझ में आ रहा था कि उधर साइड में कुछ पहाड़ियाँ हैं। अब जा करके बढ़िया नज़ारे स्टार्ट हुए हैं, अब आगे आगे थोड़ा सा रूट अच्छा होगा। तो लगभग टाइम हो रहा है 7 ऑलमोस्ट बजने वाले हैं, और ये आ रहा है जयपुर से होते हुए भीलवाड़ा की तरफ। अब हम लेंगे NH 48 है, यहाँ से 165 किलोमीटर रह गया और अराइवल 9:47, मतलब अप्रॉक्स 3 घंटे दिखा रहा है। अब ये रूट बढ़िया है इस पर, अब आगे कहीं देखते हैं कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट दिख जाए तो रेस्टोरेंट में रुकते हैं, थोड़ा फ्रेश व्रेश होते हैं। और कुछ खाने का मन है तुम्हारा? कुछ चाय भी अच्छी से चाहिए, भूख लगी है। चलो फिर वहाँ देखते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ कुछ मिल जाना चाहिए। कितनी सुंदर मूर्ति है ना, बहुत सुंदर लग रही है भाई, बहुत सुंदर, कितनी बड़ी मूर्ति है, कितनी अच्छी मुद्रा में बैठे हैं, ऐसा सुनिए कितनी मस्त लग रही मूर्ति, कितनी सही लग रही भाई, दिल खुश हो गया। हम लोग यहाँ रुक गए, मैंने कहा यहाँ से रोड लेफ्ट कर्व हो जा रही है, मैंने कहा एक रोक के आराम से इत्मीनान से थोड़ा सा वीडियो बनाए। मैंने कई ब्लॉग्स में भी देखा था कि मूर्ति दिखती है, तो मैं वही काफी देर तक, कम से कम 1 घंटे से दाएं बाएं देख रहा हूँ कि दूर से दिख जाते हैं, दूर से दिख जाते हैं, आके दिख गए थे। मैंने मैंने तुम्हारे लिए घर देखा है, वो वहाँ वही शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए घर लिया, मैं तुम्हें वही गिफ्ट करूंगा ऊपर। गाइस हमने अपना नया घर ले लिया है, मीटअप के लिए यही आना है। क्या ही मतलब क्या बना रहा है, बिल्कुल चोटी पर, बिल्कुल कौन सी बिल्डिंग बना रहे हैं भाई, कुछ मत छोड़ो पहाड़ों को, बिल्कुल पहाड़ों से भी ऊंची बस बिल्डिंग बना दो। देखो देखो बिल्कुल टॉप पर देख लो क्या ही बनाया है, किधर है इसका एंट्री होटल, ये राइट एग्जिट है और आगे से एंट्री होगी, ये इसकी एंट्री होगी। चलो भाई आ गए अपने होटल। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होटल में, और होटल का तो व्यू बहुत सुंदर आ रहा है, तो कि मैं आपको भी अंदर जाने के बाद ही दिखा दूँ। ये देखो व्यू कुछ इस तरीके से है, दिस इज द व्यू ऑफ द होटल, दिस इज एग्जैक्टली ऑन द लेक। राज अभी गए लगेज देने के लिए, प्रॉपर्टी तो बहुत ही सुंदर है, अभी इसका व्यू दिखाते हुए राज आ ही रहे हैं, इसमें बोटिंग वगैरह भी हो रही है, प्रॉपर्टी तो अच्छी है। राज आ रहे पार्क कर, हमें मिल चुकी है हमारी वेलकम ड्रिंक और हम एंजॉय कर रहे हैं अपनी वेलकम ड्रिंक को। देखो प्रॉपर्टी का व्यू, प्रॉपर्टी तो कैसा लग रहा है?
हम लोग अभी बस रिसेप्शन पे पहुंचे हैं, दिल्ली से ड्राइव करके पूरा 12 घंटे की ड्राइव करके हम आए हैं। रिसेप्शन एरिया है पूरा, और सराज अभी चेक इन फॉर्मेलिटीज करा रहे हैं और अपना हॉस्पिटल का जुगाड़ लगा दिया हम लोगों ने, तो भी बेस्ट रूम मिल सकता है यहाँ पर। भाई हम लोग होटल की रिसेप्शन पे बैठे हैं और आज को देखो थक गया अभी बहुत गई हूँ बैठे बैठे। कितने बजे निकले थे? 11 हम लोग नहीं 11:30 निकले थे। अभी देखो 10 हो गए। सही बता दिया भाई, पूरे 11 घंटे। मैंने हमने कहा था ना कि हम उसमें भी हम लोग दो जगह रास्ता भटक के करीबन आधा घंटा हम वेस्ट हुआ है। और ना क्या नाम से हमने कहा था ना पावर डलवाएंगे तो पावर से चलेंगे, तो पावर लगवा कर ही आए। हम वेट कर रहे हैं कि हमें रूम मिल जाए और हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करके और फिर इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो मैंने तो कहा ही था कि 10 बजे तक पहुंच जाएंगे, नहीं 11 बजे का था। और हमने कुछ नहीं खाया, हम लोग कुछ तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमने रेस्टोरेंट मिल गए थे हमें, जो मैं बोल रही थी ना कि हैपनिंग नहीं है, वो आगे जाके बहुत अच्छे मिल गए थे हमें। वो भी तो इसके उधर उदयपुर आने से पहले मतलब 20 किलोमीटर नाथ द्वारा इस बहुत सुंदर स्टेचू है भोले बाबा का, एंड वहाँ भी आप लोगों को जाना चाहिए। तो उसके बाद तो एक से एक अच्छे रेस्टोरेंट मिल गए थे, हिल रिजॉर्ट्स वगैरह बहुत अच्छे मिल गए थे। बीच में हम लोगों ने थोड़ा फोटो शूट वगैरह भी कराया, हालांकि थके हुए थे, आज से मजबूर हैं, तो चलो भाई रूम की वेट करते हैं। बैंड बज गया, देख लो जरा भाषा में समझो, बैंड बज गया, कुछ ज़्यादा ही थकान चढ़ गई हंसी ऊपर तुम तो मुझे क्या करते हो खेत में? जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो ये तो मुझे खेत में खेलने भेज देते हैं भाई, रात को सुनसान रास्ते से लेकर आया मुझे देखता है। इतने सुनसान रास्ते से इंसान मुझे लेकर आया उधर एक्सप्रेसवे के चक्कर में ज़्यादा ही चले गए। तो फिलहाल गाइस आ गए रूम में, मिलने में कल लगभग आधा घंटा लग गया था। रूम बहुत अच्छा है, अभी इतना एग्जॉस्ट हो रखा हूँ कि अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही कि कुछ बोलूँ। तो अभी फिलहाल सोनिया चाय ऑर्डर कर रही है, कुछ खाने के लिए कुछ खाते हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट कहीं किया ही नहीं, इसलिए कुछ खा पी के फटाफट से सोएंगे, क्योंकि ना देख रहे हो आके बिल्कुल ऐसा सर भारी सा हो गया बिल्कुल, तो फटाफट से सोएंगे। जब नींद अच्छे से हो जाएगी ना उसके बाद पूरा नहा धो के फ्रेश होकर के फिर मिलेंगे। तो अभी इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और वीडियो पूरा एंड तक देखना और इस पूरी सीरीज में बने रहना, बहुत अच्छे वीडियोज आने वाले हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।